हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो बाय टाइटल आप लोगों को पता चल गया है कि हम लोग आए हैं शादी की शॉपिंग करने। किसकी शादी है? अरे बहुत जन की शादी है, बताओ अभी तक जिनकी जल्दी में आ गई, बाकी और सब बाद में। तो चलो हमने क्या कुछ लिया और घर चल के आपको दिखाएंगे। अब चलेगा शादियों का ब्लॉग इस साल, इनकी शादी होने वाली बता दो। 2024 में, हाँ तो 2024 में नेहा की शादी हो रही है। कहो शादी कर रही हो ना? नहीं, रोड वहाँ बोल रहे हो ना? कर रहे हैं। ये बताओ नेहा शादी कर रही है ना? कब है? कर रही है। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि बिटिया रानी की शादी होने वाली है। क्यों सही दे दिया ना? हाँ, लड़के वड़के की सब फोटो तो आ गई है, बोलती मैं इन लोगों को भी दिखा दूँ। तो चलो घर चल के आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ ले रहे हैं, मतलब लिया हुआ है हमने। ठीक है, जलनखोर लड़की ये बहुत सॉफ्ट है। अच्छा इसका कब तक आ जाएगा? हम भटक रहे हैं पत्रकार को। हाँ देवी कह रही कितना उनके आंटी कितना मोड़ देंगे, हम क्यों नीचे कहाँ ले जाएंगे उसको। तो हम भटक रहे हैं पत्रकारपुरम की मार्केट में। बज गया है 10, अब हो चुका है बस, सब बंद हो गया है। हमारी बच्ची को अभी जो है नहीं मिला। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 11:15। माय गॉड, हम लोग मतलब 11 बजे घर आ गए थे और अब खा रहे हैं। देखो क्या खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं कचालू रोटी और सिंघाड़े का हलवा है, नेहा ने बनाया हुआ है। ये भी बिटिया रानी मुझे छोड़ती नहीं है एक मिनट के लिए भी। और आरती की तबीयत ख़राब है तो आरती नहीं आई थी, हम लोग यही खा रहे हैं। और क्या कुछ लेके आए हैं अभी आपको दिखाएंगे।
खा लें, बिटिया रानी को सुला लें, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, बाद में बात करते हैं, नहीं तो बात करते रहेंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि नहीं पता है, मैंने बताया कि नहीं आज है मेरी सिस्टर की शादी, बट आज ही मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है, तो मैं प्रत्युष को छोड़ने चल रही हूँ, और इसके बाद आके पैकिंग वैकिंग करते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आज मुझे डॉक्टर को भी दिखाने जाना है। प्रत्युष छूटेगा 12:30 या 1 बजे के बाद, तो उसको लेके हम निकलेंगे। उसके पहले हमने डॉक्टर को दिखाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लें, स्टार्ट तो है ही, हमने सोचा थोड़ी देर बात कर लें आप लोगों से, कैसा लगा व्लॉग, क्या कुछ हमने लिया हुआ अभी आपको दिखाया नहीं, घर चल के दिखाएंगे, पैकिंग करते टाइम दिखाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। ओके बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे लिए कोई भी साड़ी वाड़ी नहीं ली हुई है, जो मेरे पास पहले की पुरानी साड़ियाँ थी उसी में से मैं कोई एक साड़ी पहनूंगी। मैं मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी कौन सी नहीं पहनूंगी। मुझे ना मैं मन करा था कि मैं ये वाली पहनूंगी, बट देखते हैं साड़ी के हिसाब से, ये बहुत लाइट कलर हो जा रहा है। इस वाली साड़ी को ना मैंने कई बार सोचा कि पहन लूँ, बट इसका मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा है। कभी कुछ रीज़न आ जाता है, कभी कुछ रीज़न, कभी इसका मैं पेटीकोट ही भूल जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। इस बार तो सब कुछ रखा हुआ है, देखते हैं क्या कुछ होता है। एंड नेक्स्ट साड़ी, ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने भाई के एंगेजमेंट में पहनने के लिए ली हुई थी, बट इसे मैंने कभी भी नहीं पहनी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी है, बट इसके साथ भी सेम ही पकड़ा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो मैं इसे नहीं पहनती हूँ। इसके बाद ये वाली साड़ी मैंने भागवत में ली हुई थी, बट उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ना हर एक चीज़ से चुभन सी होती थी, और इसमें फेक मिरर लगा हुआ है, फेक नहीं रियल मिरर लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इस साड़ी को नहीं पहना। तो मैं भी मैं इस साड़ी को पहन लूँ, देखती हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस साड़ी को पहनूँ जो कि मैंने भाई के एंगेजमेंट में पहना हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, तो क्या पता मैं इसी साड़ी को पहनूँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, तो शायद मैं ये साड़ी पहनूँ। इसके बाद सिस्टर के लिए मैंने ये वाली साड़ी ली हुई, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली साड़ी। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बता रहे हैं। जो कलर है ना, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसके हिसाब से। और नेक्स्ट साड़ी ये है, नई नई शादी हुई है तो रेड एंड वाइन कलर कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, और इन दिनों ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले था रेड और येलो चलता था, इस टाइम रेड एंड वाइन कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ये हो गई नेक्स्ट साड़ी। इसके बाद ऑनियन कलर कितना ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में है, मतलब ऑनियन कलर काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस टाइम साड़ियों में, तो इसलिए मैंने एक ऑनियन कलर की साड़ी ली हुई है। सो मैं फटाक से करती हूँ ये सब पैक, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्या 3 बज गए, शाम के 3 बज गए, रीज़न मैंने आप लोगों को बता ही दिया हुआ था। तो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय।